हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ होटलों और रेस्टोरेंट में वेज स्प्रिंग रोल कैसे बनाए जाते हैं। सबसे बेस्ट और आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आप वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो सबसे पहले स्टफिंग की बात कर लेते हैं। अच्छी टेस्टी चटपटी सी बेस्ट स्टफिंग कैसे बनाई जाती है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए आपको ये तीन सब्जियाँ चाहिए। किसी भी चाइनीज किचन में अगर आपको कुछ भी लंबा काटना है, चाहे वो नूडल्स हो या स्प्रिंग रोल, इन तीन सब्जियों से शुरुआत कीजिए। ये तीन होनी कंपलसरी है। तो सब्जियों को जूलियंस कट में काटेंगे, यानी लंबा लंबा काटेंगे। उसके लिए शिमला मिर्च का बीज वाला हिस्सा हटा करके इसे बारीक लंबा लंबा काटिए। इसी तरह से गाजर को भी बारीक और लंबा काट लीजिए। बंद गोभी को चाइनीज तरीके से काटने का जो तरीका है वो ये है। गोभी को 1/4 करिए, उसके बाद इसका जो बीज का हिस्सा है, हड्डी वाला भाग, वो हटा दीजिए। डंठल जिसे कहते हैं ना हम, वो हटा करके इस तरह से लंबा लंबा इसे काट लीजिए। इसी तरह से हरे धनिए को भी हम बारीक बारीक काट करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, सब्जियों की कटिंग हो चुकी है पूरी। अगर आप स्प्रिंग रोल के लिए या नूडल्स के लिए सब्जियाँ वगैरह लेते हैं तो बॉडी के लिए तीन सब्जियाँ हैं और स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए ये तीन चीज़ें होती हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग सबसे पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये ठंडी होकर ही जाएगी ना इसके अंदर, तो फिलिंग ठंडी होगी, पानी छोड़ेगी, तब हम काम शुरू करेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल जाएगा। देखिए, चाइनीज खाना मिलिट्री हीट पर बनाया जाता है। सभी चाइनीज डिशेज हाई फ्लेम पर बनाई जाती है, यानी कि हम फ्लेम हाई रखेंगे और सबसे पतली कढ़ाई यूज करेंगे। तेल को अच्छा तेज धुआंधार गर्म कर लेना है। 1 छोटा चम्मच आपने लहसुन ऐड करना है और 1 बड़ा चम्मच आपने अदरक ऐड करना है। अदरक का यूज ज्यादा कीजिएगा, जिससे इसका टेस्ट इनहेंस होकर आएगा, बढ़ जाएगा। अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। इसके बाद इसमें 4 से 5 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई ऐड कीजिएगा। स्टफिंग में थोड़ा सा तीखा टेस्ट लाने के लिए मिर्च को भी आप थोड़ा सा पका लीजिएगा। हरी मिर्च को भी मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब इसमें हम शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी ऐड करेंगे। स्प्रिंग रोल की सब्जी बनाते समय मेन चीज ये है कि सब्जी का टेक्सचर आना चाहिए, सब्जी में बाइट आना चाहिए, वरना आप प्रेशर कुकर की तरह सब्जियों को कर देंगे ओवर कुक और बनाने जाएंगे आप वेज स्प्रिंग रोल और बन जाएगा वेज हलवा स्प्रिंग रोल। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सब्जी को हमें 50-60% कुक करना है। नमक ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच, पिसी हुई शक्कर 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारी हाई वाटर वेजिटेबल है, केबेज में वाटर है, शिमला मिर्च में वाटर है, तो ये सारा पानी छूटेगा। तो इनका पानी हमें सुखाना नहीं है, इनका पानी हमें निकलवाना है। 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस 3 टीस्पून ऐड करेंगे, चाहे तो 1-2 टीस्पून केचप ऐड कर सकते हैं। हरे पत्ते की प्याज जरूर ऐड कीजिएगा, मैं फिलहाल नहीं कर रही हूँ। हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। ये लो जी, सब्जी कुक हो चुकी है 50-60%। आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच को कर देना है बंद। सब्जी में अच्छा सा कलर है, टेक्सचर है, क्रंच है और बाइट है। सब्जी को स्ट्रेनर में या छलनी में पलट लेते हैं, जिससे इसका जो पानी है वो पूरा निथर जाएगा। देखिए, सब्जी ठंडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे स्क्वीज करके भी इसका पानी निकाल सकते हैं। इस तरह से पानी अच्छी तरह से निकाल दीजिए, नहीं तो स्प्रिंग रोल बनाते समय परेशानी हो सकती है कि सब्जियों को हम जब ऐसे निचोड़ रहे हैं उसके बाद भी ये हलवा नहीं बनी है, इसमें टेक्स्चर है, बाइट है। और हमेशा याद रखिए, ये सब्जी जो है ओवर सीजनड होना चाहिए, यानी सब्जी में नमक मिर्च मसाले ज्यादा होने चाहिए। जब इसे हम छानेंगे तो इसके पानी के साथ इसका फ्लेवर भी बह जाता है। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, इसका हम डिप बना लेंगे, स्प्रिंग रोल डिप। पानी में 1-2 टीस्पून टमाटो सॉस मिलाएंगे। लीजिए, बढ़िया सा स्प्रिंग रोल डिप बन करके तैयार है। यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग रोल शीट्स हैं। ये शीट्स मैं आपको बनाना नहीं बताऊंगी क्योंकि इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये घर की स्प्रिंग रोल बनी हुई है मेरी, और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब एक एक स्प्रिंग रोल की शीट ऐसे लेकर के हमें रख लेना है। इसके ऊपर हमें मैदे की सिलेरी जो है लगाना है। तो 2 चम्मच मैदा ले लीजिए और उसे गाढ़ी कंटेंसिटी का घोल बना करके सिलेरी तैयार कर लीजिए। इसके चारों तरफ किनारे पर हम इसे लगा करके अब इसके एक साइड में फिलिंग रखेंगे।
अब शीट को एक कोने से लेकर के इस तरह से रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से टाइटली रोल करना है। इसके दोनों साइड के किनारे इस तरह से लेकर के हमें सील कर देना है। इसमें भी थोड़ी सी सिलेरी लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इसे हम दोनों साइड से फोल्ड करते हुए चिपका देते हैं। इसके बाद इसे रोल करते हुए अच्छी तरह से सील कर देना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, बड़ा वाला स्प्रिंग रोल बन चुका है। मैं आपको छोटे छोटे स्प्रिंग रोल भी बना करके दिखा देती हूँ, पार्टी साइज स्प्रिंग रोल। शीट्स को दो पीस में काट करके इसका एक पीस लेंगे और इस पर हम मैदे की सिलेरी लगा देंगे किनारों पर। एक साइड पर फिलिंग रखेंगे, किनारे से उठा करके इसे रोल करना है। फिर दोनों साइड के किनारों को हमें फोल्ड करना है, इस तरह से अच्छी तरह से चिपका देंगे और बीचों बीच इसके सिलेरी लगा करके इसे रोल करके अच्छी तरह से सील कर देना है। ये देखिए, छोटा स्प्रिंग रोल बन गया, ये बड़ा स्प्रिंग रोल और ये छोटा स्प्रिंग रोल। इस तरह से हम स्प्रिंग रोल बना करके रख लेते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर रख करके फ्लेम को ऑन करेंगे, वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे गर्म करेंगे। अच्छा, स्प्रिंग रोल को हम डीप फ्राई करेंगे। गर्म ऑयल में एक एक स्प्रिंग रोल लेकर के इसे ड्रॉप करते जाएंगे। एक बार में 4 से 5 स्प्रिंग रोल डाल करके इसे हम मीडियम आंच पर पलटते हुए गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर स्प्रिंग रोल हल्के से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर इसे निकाल करके अगर आप सही तरीके से इसे फ्रिज में स्टोर करते हो तो 6 माह की मेरी गारंटी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग रोल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनमें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल को फ्राई कर कर तैयार कर लेते हैं। ये स्प्रिंग रोल खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन वेज स्प्रिंग रोल्स को आप टमाटर केचप के साथ या डिप के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एक बार बनाइएगा ज़रूर। इस तरह से बनाएंगे ना तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आपका मन करेगा बार बार इसे बनाने का। तो चलिए, एक स्प्रिंग रोल में फटाफट से आपको काट करके दिखाई देती हूँ। ये देखिए, हमारे स्प्रिंग रोल कितने अच्छे बने, एकदम मार्केट की तरह परफेक्ट। ये वेज स्प्रिंग रोल बनाने में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं इसका आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो स्प्रिंग रोल पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।